The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, that does not mean कि आपको दर्द होगा, सिम्टम आएगा. Why? Because देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि एक हाई ब्लड प्रेशर आपका स्ट्रेस में, टेंशन में और ऑफ कोर्स होगा. देखिए निर्भय जी कह रहे, तो ऑफ कोर्स नहीं होगा. हाई ब्लड प्रेशर में सरदर्द नहीं होता है, ये आपको समझना है. बिकॉज अगर आपका ब्लड प्रेशर 120-80 जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उतने में भी आपको सरदर्द हो सकता है. और 240 ब्लड प्रेशर चला भी जाए तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको आपको हेडेक ना हो. तो क्या कारण है, मतलब हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर ही रिलेशनशिप नहीं है, दो पर्सन है, बिल्कुल हो सकता है. किसी को ब्लड प्रेशर लो रहता है तो भी हेडेक हो सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी हो सकता है उसको हेडेक ना हो. तो क्या चीज है, व्हाट इज द रीजन, राइट, हेडेक क्यों हो रहा है, क्या हाई ब्लड प्रेशर से, नहीं तो किससे. हेडेक का रीजन है एक्चुअल ब्रेन डैमेज. जी हाँ, एक्चुअल ब्रेन डैमेज होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार लगातार हाई रहेगा तो. नाउ व्हाट डज दैट मीन, मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 240 पहुंच गया, 280 पहुंच गया, 180 पहुंच गया, 150 पहुंच गया, तो पहुंच जाने से ब्लड प्रेशर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को कहते हैं हम होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है जिससे कि अगर आपकी खून की नसें जिनमें ब्लड प्रेशर होता है वो, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वो फैल जाती हैं, वो डायलेट करती हैं और डायलेट करके आपके अंदर का, उसके अंदर का प्रेशर कम कर देती हैं. इसको समय लगता है, इसको कभी कभी इंस्टेंट होता है, किसी किसी में समय लगता है, बुढ़ापे में ज्यादा समय लगता है. और बुढ़ापे में या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिन लोगों की खून की नसों में कमजोरी आ गई है, उन लोगों में क्या होता है कि ये रिस्पॉन्स ही स्लो हो जाता है या इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आता है. सो हेडेक या कोई भी सिम्टम आपका हाई ब्लड प्रेशर से अकेले नहीं होता. रीजन एक और एग्जांपल समझते हैं. जब आप फुल स्पीड दौड़ते हैं, फुल स्पीड तक थोड़ो, फुल स्पीड छोड़ो, आप अगर सीढ़ी चढ़ते हो, हम में से सारे ही लोग सीढ़ी चढ़ते होंगे, हम में से सारे ही लोग पैदल चलते होंगे, तो पैदल चलते वक्त आपका ब्लड प्रेशर कुछ तो बढ़ेगा, सीढ़ी चढ़ते वक्त आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ता है ना, बिल्कुल बढ़ता है. एक नॉर्मल आदमी का अगर एवरेज ब्लड प्रेशर 120-80 रहता है तो सीढ़ी चढ़ते वक्त उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है 140 के आसपास, और वो ज़्यादा तेज सीढ़ी चढ़ते वक्त, लगातार सीढ़ी चढ़ते वक्त 160-180-200 तक भी जा सकता है. लेकिन सीढ़ी चढ़ते वक्त उसको सर दर्द होगा ऐसा ज़रूरी नहीं. हर, वरना क्या होता, हर 100 मीटर डैश वाली दौड़ में जो लोग दौड़ रहे हैं उनका सर दर्द होता रहता. हुसैन बोल्ट जो है उसका तो सर ही फट जाता, क्योंकि वो गरीब बेचारा इतना तेज दौड़ता है, उसका तो बीपी 200 क्रॉस कर जाता है उस समय. सो ब्लड प्रेशर हाई रहना, हाई चले जाने से सरदर्द नहीं होता. कई लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई होता है तब तो मेरे को फील होता है, तब तो मुझे सरदर्द होता है, ऐसा क्यों. ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सालों से, महीनों से अपने ब्लड प्रेशर को इग्नोर किया. आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को जब लंबे समय तक इग्नोर करेंगे तो लगातार हाई ब्लड प्रेशर से आपकी खून की नसों में डैमेज होगा, एंड ऑर्गन जहां पे जा रहा है ब्लड वहां भी प्रेशर से पहुंचेगा तो वहां भी डैमेज होगा. एक्चुअल डैमेज से सर दर्द होता है, एक्चुअल ब्रेन डैमेज होता है वहां पर जिसके वजह से सर दर्द होता है, आंखों में डैमेज होता है जिसके वजह से विजन लॉस होती है, किडनी में डैमेज होता है जिसके वजह से किडनी फेलियर होता है. तो ये पॉइंट्स, ये सारे डैमेज ब्लड प्रेशर करता है, नो डाउट. लेकिन एक बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाने से नहीं होता ये, कुछ देर तक हो जाने से नहीं होता ये, लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने से होता है. कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी उम्र, आपकी बाकी कंडीशन. अगर कोई बेचारा मान लीजिए पहले से बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा कैकेक्सिक है, किसी को और भी कोई ऐसी मान लो
डेबिलिटेटिंग बीमारी है और उसका ऐसा कंडीशन हो गया उसका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तो 4 दिन में उसको बॉडी में डैमेज होना शुरू हो सकता है। किसी की किडनी वैसी डैमेज हो रही है, ऊपर से हाई ब्लड प्रेशर से फोर्स वहां जा रहा है, तो उसका डैमेज हो सकता है, राइट। सो ये सब चीजें आपको समझनी होगी, राइट। जैसे कि अगर हमने सिर्फ पानी दिया किसी को, जैसे झाड़ को आपने, पेड़ को, पौधे को पानी दिया, तो पौधे को पानी दे देने से पानी पौधा खराब नहीं हो जाता, लेकिन वही पानी की फोर्स को 10 गुना बढ़ा दो, वही पानी की फोर्स को 10 गुना बढ़ा दो और तेजी से पानी दे दो इतना सारा, तो वो पौधा टूट भी सकता है। सेम चीज आपके बॉडी के अंदर होता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई जब होता है तो वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, आपके खून की नसों को, और उसको डैमेज कर सकता है। और इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि उसका कोई सिम्टम नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर का कायदे से कोई सिम्टम नहीं होता है। सिम्टम अगर होना शुरू हो गया तो मतलब आपको एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। एंड ऑर्गन डैमेज मतलब जहां पर हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है। अब वैसे तो कायदे से ब्लड प्रेशर पूरे शरीर में हाई होगा, होगा तो पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में हाई होगा तो कौन सा ऑर्गन पहले खराब होगा, बोलिए कौन सा ऑर्गन पहले खराब होगा? दिमाग, किडनी, हार्ट, लिवर, लंग, क्या खराब होगा? ये ऐसे नहीं बताया जा सकता, ये हर एक में डिफरेंट होगा। जिसका लिवर पे स्ट्रेस है, मान लीजिए किसी के लिवर के अंदर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, और मान लीजिए उसका सिरोसिस भी चल रहा है, ऑलरेडी सिरोसिस है, ऑलरेडी वहां पे प्रेशर बढ़ा हुआ है लिवर के और टिश्यू में, और ज्यादा तेजी से वहां ब्लड प्रेशर जा रहा है, तो क्या होगा? लिवर और खराब होगा, जल्दी खराब होगा। मान लीजिए कोई पानी नहीं पीता है, बहुत ज्यादा दवाई खा खा के, एंटीबायोटिक ले लेके किडनी खराब हो रखी है, तो किडनी खराब हो रही है तो उसका किडनी पहले खराब होगा। मान लीजिए कोई सोता नहीं है, टेंशन लेता है, जिसको वैसे ही कोई माइग्रेन वाइग्रेन जैसा हेडेक होता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर लगातार होगा तो उसका सर दर्द होगा, राइट। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। सो जी हाँ, स्ट्रेस से भी हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक भी होता है, साइनस हेडेक भी होता है, माइग्रेन हेडेक भी होता है, और हाई ब्लड प्रेशर से अगर हेडेक होता है तब हेडेक होने का रीजन होगा एंड ऑर्गन डैमेज, ब्रेन डैमेज, एक्चुअल ब्रेन डैमेज। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से सरदर्द हो रहा है, तो आपको भाई साहब देरी होती जा रही है, आपको तुरंत तुरंत ब्लड प्रेशर रोज चेक करना चाहिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके अपनी दवाई एडजस्ट करनी होगी, लाइफस्टाइल एडजस्ट करना होगा, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाए और जो भी एंड ऑर्गन है उसमें और डैमेज ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गांठ बांध लीजिए, जो कहता है भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, कहना ब्लड प्रेशर चेक किया करो, कहना रेगुलर चेक किया करो, कहना रोज चेक किया करो, सुबह शाम चेक किया करो, जब भी करो 3 बार करो, क्योंकि पहली बार तो वैसे भी हाई हो सकता है एंजाइटी से।